नमस्कार, मैं हूं सोनिया जेसवाल। आप देख रहे हैं चिमनीज। वक्त हो गया है खबरों का। देश की आर्थिक राजधानी में बेशर्मी की हदें पार करती लूटपाट की एक खबर प्रकाश में आ रही है। यहां मालवानी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कथित तौर पर पिछले कई महीनों से एक ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए समलैंगिक सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस के सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने मोबाइल एप्लीकेशन ग्रिंडर ऐप के माध्यम से समलैंगिक समुदाय के सदस्यों से संपर्क किया और उन्हें मालवानी क्षेत्र में उनके कार्यालय या घर पर सस्ती दरों पर सेक्स के लिए मजबूत युवकों की गारंटी दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय इरफान फुरकान खान, 24 वर्षीय अहमद फारूक शेख और 24 वर्षीय इमरान शरीफ शेख के रूप में बताई जा रही है। सोहेल और अन्य अज्ञात आरोपी अब भी फरार है। इस रैकेट का पता तब चला जब 23 साल के एक CNA ऐप के जरिए अपनी दिलचस्पी दिखाई। आरोपी ने 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए की मांग की। सब कुछ तय होने के बाद पीड़िता रात करीब 9:30 बजे मालवाणी के मोहम्मद रफी ग्राउंड के पास आरोपी के कार्यालय पहुंची। आरोपी खान को पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी क्योंकि वह किसी अन्य काम में व्यस्त। इसके बाद खान दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी अनुपलब्धता की जाहिर की। इसके बाद खान अपने 2 सहकर्मियों के पास पहुंचे। तब तक पीड़िता आरोपी के ऑफिस पहुंच चुकी थी और अपने सेक्स पार्टनर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में चारों युवक ऑफिस पहुंच गए और पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई। हालांकि पीड़िता ने सेवा से इनकार कर दिया। मालवानी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, चारों आरोपियों ने गुस्से में आकर पीड़िता के साथ मारपीट भी की और उसका मोबाइल फोन, पर्स और अन्य कीमती सामान छीन लिया। उन्होंने उसके डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी हासिल कर लिया लगे हाथ। इसके बाद आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से एक आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसे ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी और पीड़िता से पैसे की मांग की। बोरीवली निवासी पीड़िता ने तब अपने परिवार के सदस्यों को ये सारी घटना सुनाई, जबकि आरोपी इमारत के बाहर बगल की सड़क पर पैसे लेकर उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को उनके पास आते देख वो वहां से भाग गए। इसके बाद पीड़िता परिवार ने MHB थाने में शिकायत दर्ज कराई। चूंकि घटना मालवानी में हुई है, इसलिए पुलिस ने उन्हें 0 FIR दर्ज कर मालवानी पुलिस थाने भेज दिया है। जोन 11 के पुलिस उपायुक्त विशाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में मालवानी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर भालेलाव और पुलिस उपनिरीक्षक हसन मुलानी ने अपनी जांच टीम के साथ मिलकर सोमवार तड़के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अपराध में लिप्त 2 आरोपी अब भी फरार है। पुलिसिया जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि इनके तार काफी लंबे जुड़े हो सकते हैं और इन लोगों ने ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें मामले की और अधिक जाँच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की और अधिक तहकीकात मालवानी पुलिस फिलहाल कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।